नमस्कार दोस्तों, जयसूर सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में हमने लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों को सरल तरीके से बनाने की कोशिश किया। लाभ हानि की सीरीज में हम फिर आगे बढ़ रहे हैं क्रय मूल्य की ओर। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको लाभ के सरल प्रश्नों को बताया था और हानि के भी सरल प्रश्नों को अध्ययन करने बताया था। लाभ हानि से अन्य और प्रश्न बन रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का एक साथ समावेश करके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे प्रश्न लाभ के रहेंगे और बहुत सारे प्रश्न हानि के रहेंगे, जो बहुत ही कठिन प्रश्न रहते हैं जिनको समझने पहले तो समझना होता है, उसको मैं सरल विधि से समझने के तरीके बताऊंगा और उससे संबंधित प्रश्नों को सरल ढंग से कैसे हल करें इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्रय मूल्य से संबंधित प्रश्नों को सरल करने की कोशिश करेंगे। क्रय मूल्य का अर्थ होता है किसी चीज़ को खरीदना। क्रय मूल्य का अर्थ होता है किसी चीज़ को खरीदना। खरीदना ही शब्द क्रय मूल्य कहलाता है गणितीय भाषा में। तो क्रय मूल्य के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य के उन सारे चीज़ों को नहीं दोहराते हुए हम सीधे क्रय मूल्य के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्रय मूल्य का बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं। सबसे पहले अपन उस पहले उस सूत्रों को ध्यान देते हैं। क्रय मूल्य का पहला सूत्र बनता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि, यानी हमने जिस कीमत पर बेचा है उसमें हमको हानि कितना हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो हमारे क्रय मूल्य निकल जाएगा। दूसरा उसका सूत्र बनता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ, विक्रय मूल्य ऋण लाभ। क्रय मूल्य का दूसरा सूत्र है विक्रय मूल्य ऋण लाभ। विक्रय मूल्य कितने रुपए में हमने उसको बेचा और उसमें जितना रुपए का लाभ हो उसको हम उसमें घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और अगर इसमें एक प्रकार के प्रश्न और बनते हैं हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। अगर किसी वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा उस प्रकार के प्रश्न होंगे तो उसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहे हैं तो उससे बने हुए प्रश्न क्रय मूल्य के बनते हैं, उनके लिए इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहला हानि के हानि प्रतिशत का जिसमें प्रश्न में रहा हो उसमें क्रय मूल्य निकालेंगे विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, और लाभ के में आएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो अपन सबसे पहले ये दोनों सूत्रों से बने हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक सरल प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न है एक दुकानदार किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचता है। कितने रुपये में बेच रहा है? 560 रुपये में। तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया? 560 रुपये। सबसे पहला काम हमारा यह रहता है कि प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या कहता है। तो हम उसी प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन ने इसके प्रश्न को पढ़ा जिसमें लिखा है कि 560 रुपये में किसी चीज को बेचा तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 560 रुपये। अब उसमें 70 रुपये का लाभ मिलता है, 70 रुपये का लाभ मिला, लाभ बराबर 70 रुपये। तो अपन को पता है अपन को क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या बोलेगा, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का पहला वाला सूत्र अपना लगेगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण धन ऋण लाभ, ठीक है। अपना दूसरा सूत्र लगेगा क्रय मूल्य में लाभ वाला सूत्र लगेगा, तो अपन उसमें लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ। विक्रय मूल्य कितना है? 560 रुपये का, और उसमें कितना रुपये लाभ हो? 70 रुपये है। तो हमारा जो कीमत जब इसको इससे घटाएंगे तो हमारा वास्तविक कीमत क्रय मूल्य निकल जाएगा। अपन इसमें घटाते हैं तो शून्य का शून्य 16 में 7 गया 9 बचा, 5 में 1 गया 4 बचा, तो उत्तर कितना है? 490 रुपये। ये उसका वास्तविक कीमत है। अगर अपन इसको दूसरे नीचे से आगे बढ़ते हैं, अगर देखते हैं यहाँ पर कितना होता है 490 रुपये को उसका क्रय मूल्य, उसको 490 रुपये के समान में 70 रुपये का लाभ मिलता है, 70 रुपये का लाभ मिले। तो जब उसको इसमें तो उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो अब विक्रय मूल्य को निकालते हैं तो 490 में 70 को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? 560 रुपये विक्रय मूल्य। तो ये प्रश्न इस प्रकार ये प्रश्न दोनों तरफ से सेटिस्फाई होता है। तो उत्तर क्या बनेगा? इसका क्रय मूल्य क्या बनेगा? 490 रुपये क्रय मूल्य होगा।
ठीक है, क्लियर है। केवल प्रश्न एक बार और रिपीट कर लेते हैं। किसी वस्तु को दुकानदार 560 रुपये में बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 560 रुपये। उसमें लाभ उसको कितना मिल रहा है, 70 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है, उसको कितने रुपये में खरीदा होगा वो जिससे उसको 70 रुपये लाभ मिल रहा है। तो अपन क्रय मूल्य पहले निकालें, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में लाभ को हम घटा देंगे। 560 रुपये विक्रय मूल्य है और लाभ कितना है 70 रुपये, तो उसको घटाने पर उत्तर आएगा 490 रुपये। ये 490 रुपये में उसने क्रय किया। सरल तरीके से समझ में आए। अब इसी प्रकार के एक प्रश्न जिसमें इसमें तो लाभ कमाया, अब हानि वाला प्रश्न हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार 480 रुपये में कोई सामान को बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 480 रुपये। अपन तो पहले प्रश्न को समझ, प्रश्न को समझने का अर्थ है कि उस प्रश्न में वो क्या कहना चाहता है। एक दुकानदार 480 रुपये में कोई सामान को बेच रहा है, उसका विक्रय मूल्य हो गया 480 रुपये, उसने 50 रुपये की उसको हानि हुई। हानि कितना हुआ, 50 रुपये। 50 रुपये की उसको हानि हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अपन को हानि वाले सूत्र को देखेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का हानि। तो हम उसको लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय धन हानि। अब यहाँ पर उसको 480 रुपये में विक्रय किया, 480 रुपये हमने लिखा, और उसको हानि कितना रुपये का हो गया, 50 रुपये का होगा। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 0 का 0, 8 5 13, 525, 530 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा, 530 रुपये। अपन इसको उल्टा से चलते हैं, नीचे से। अगर किसी व्यक्ति को 530 रुपये में उसने खरीदा और 480 रुपये में उसको बेचा, प्रश्न को समझेंगे। 530 रुपये में खरीदा यानी ज़्यादा में खरीदा, और विक्रय कितना किया, 480 रुपये में कम में बेच दिया, तो स्वाभाविक उसको हानि होगा। जब हानि होगा तो हम उसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये। तो हमारा प्रश्न सही हो जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न दोनों तरीके से सही होगा। हमको पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न को हल करना है, और उसको चेक भी करना है कि वो सही हो रहा है कि नहीं। तो ये उत्तर, इसका जो 530 रुपये क्रय मूल्य आ रहा है, ये सही पाएगा कि इसका उत्तर होगा 530 रुपये में क्रय किया। इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसमें क्रय मूल्य निकालना रहता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अब अगला प्रश्न हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत से संबंधित है। इसमें हम हानि प्रतिशत, अगर प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया है उसके प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, और अगर प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है उसके प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, और उसको हम किस कैसे सरल करेंगे, उसको हम अभी पढ़ देखेंगे। अगर हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो अपन को पता है उसका सूत्र, विक्रय गुणित 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत के प्रश्न दिए हैं तो विक्रय गुणित 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस सूत्र के माध्यम से अपन प्रश्न को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक कार को 45,000 रुपये में बेचने का, यहाँ पर विक्रय मूल्य अपन को कितना मिल रहा है, विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है, 45,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना मिला, 45,000 रुपये। उसमें बेचने पर कितने प्रतिशत, 10% की हानि होती है। हानि प्रतिशत कितना है, 10%। तो कार का क्रय मूल्य निकालो, कार का क्रय मूल्य निकालो। हमको क्या निकालना है, कार का क्रय मूल्य। अपन को याद रखना है कि क्रय मूल्य में जब हानि प्रतिशत के प्रश्न आएंगे तो हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है। क्रय मूल्य बनाकर विक्रय गुणित 100/100 ऋण हानि, ठीक है। ये सूत्र हमको याद रखना है, और इन्हीं सूत्र की मदद से हमको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पर विक्रय कितना है, 45,000 है, गुणित 100/100 ऋण हानि प्रतिशत कितना है, 10 है। तो 10
अब इसको सॉल्व करें अपन 45,900 90। ठीक है, अब ये शून्य काट दिए, ये शून्य काट दिए, 9 के पहाड़ा से इसको कटाएंगे क्योंकि 9 के पहाड़ा में आ जाएगा, 9 के पहाड़ा पड़ते हैं तो 9 × 5 = 45, ये कट जाएंगे 5,000 बार में। ठीक है, अब 5,000 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना हो गया 50,000। ठीक है, 50,000 रुपये। तो उस कार की कीमत कितनी है, क्रय मूल्य कितनी हो गई, 50,000 रुपये, ये उसका उत्तर होगा। कार का क्रय मूल्य कितना हो गया, 50,000 रुपये। अपन को प्रश्न को फिर से एक बार समझ के उसको फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, एक कार को 45,000 रुपये में बेचा, इस कार को कितने रुपये में बेचा, 45,000 रुपये में बेचा, तो उसको 10% का हानि हुआ, मतलब स्वाभाविक है उसका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो क्रय मूल्य को निकालेंगे। जब इस प्रश्न को हम हल किए तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 50,000, मतलब 50,000 रुपये में क्रय करके उस कार को 45,000 रुपये में बेचा, तब उसको 10% की हानि हुई। 10% की हानि अपन निकालेंगे तो कितना होगा उसका, 5,000, यानी हानि कितना मिल गया उसको, 5,000 रुपये। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा लाभ प्रतिशत के अनुसार क्रय मूल्य निकालना। अगला प्रश्न हम इसको हल करेंगे, इसमें लाभ प्रतिशत दिए रहेंगे। तो प्रश्न को अपन पहले पढ़ते हैं। एक टीवी को 5,060 रुपये में बेचने पर उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य निकालो। अब क्रय मूल्य निकालना है, इसमें लाभ प्रतिशत वाले प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपन देख रहे हैं विक्रय मूल्य कितना है, 5,060 रुपये, अब उसका लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ, 10% का लाभ हुआ, लाभ कितना हो गया, 10% का, तो क्रय मूल्य पर निकालना, तो अपन इसका दूसरा सूत्र को उपयोग करते हुए लाभ प्रतिशत निकालेंगे। दूसरा सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुणी 100/100 लाभ प्रतिशत। अपन को यहाँ पर विक्रय मूल्य पर मिल चुका है, विक्रय मूल्य कितना है, 5,060 रुपये, 5,060 रुपये, और लाभ प्रतिशत कितना है, 10% है, तो हमने इसको भी लिख लिया। अब इसको हम आगे की ओर हल करते हैं। 5,060 × 100 / 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 हो गया। अब यहाँ पर एक शून्य कटा, अब 11 का पहाड़ा से क्या हल हो जाए, इसको भाग देंगे, भाग देने पर पूर्ण रूप से हल हो जाएगा। 11 × 11 = 44 बच गया 6, 11 × 6 = 66 और 11 × 7 = 99, तो 460 × 10 ये होगा 460 × 10 बटा कुछ नहीं क्योंकि पूरा नीचे का कट गया, तो कितना हो गया, 4,600। तो इसका क्रय मूल्य कितना बना, 4,600 रुपये, ये क्या बना, क्रय मूल्य बना। ठीक है, तो उस टीवी का क्रय मूल्य कितना बना, 4,600 रुपये, तो उसमें 10% को उसको लाभ हुआ, तो 10% का लाभ हुआ तो स्वाभाविक है इसका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो 10% का लाभ को निकालेंगे तो 5,060 रुपये उसको विक्रय मूल्य होगा। इस प्रकार लाभ के प्रश्न प्रतिशत लाभ अगर दिया रहता है तो उसके प्रश्न इस रूप से अपन हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।